के अल्टीमेटम खत्म होने के बाद एमएनएस कार्यकर्ता सुबह से एक्शन में है। जी हाँ, मुंबई में अजान के वक्त हनुमान चालीसा विवाद अब और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आता है। राज ठाकरे ने अपील की थी और उस अपील के बाद में अब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज सुबह कई इलाकों में लाउड स्पीकर पर बेहद तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। ठीक उस वक्त जैसे ही मस्जिदों से अजान की आवाज आनी शुरू हुई, वही दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजना शुरू हो चुका। आज सुबह जैसे ही ये तमाम तस्वीरें नजर आई, हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आया। वैसे राज ठाकरे की पार्टी के लोग लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा जरूर बजाने लगे। मुंबई के चारकोप में सबसे पहले ऐसी तस्वीर सामने आई थी, देखिए। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उस चिट्ठी का असर कितना हुआ है जो राज ठाकरे ने लिखी थी। नवी मुंबई, चारकोप, मुंब्रा, अलग अलग जगह से वो तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए हैं। मस्जिद से जैसे ही अजान शुरू हुई, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दूसरी इमारत से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। वो तस्वीर चारकोप से हमने आपको दिखाई। विवाद बढ़ने के बाद कई जगहों पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं। एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जो आप आखिरी तस्वीर देख रहे हैं। मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, वो तस्वीरें यही बता रही है। जी हाँ, पुलिस ने अभी तक कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, कई को हिरासत में लिया है और ये कार्रवाई अभी भी जारी रहने वाली है, क्योंकि राज ठाकरे के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किया गया है। प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है। आइए जरा हम आपको सुनाते हैं नवी मुंबई के चारकोप में कैसे अजान के वक्त एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई। सरबजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। सरबजीत, क्या हाल है इस वक्त मुंबई का, महाराष्ट्र का? क्योंकि चिट्ठी के बाद से जो सोचा गया था वो तस्वीरें दिख भी रही हैं आज। जिस तरह से राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था 4 तारीख का, उसको देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सब कई जो मनसे कार्यकर्ता हैं उन्हें नोटिस दिया गया था। राज ठाकरे घर के बाहर भी पूरी तरह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे का जो अपील था, मनसे कार्यकर्ता पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही मस्जिदों के सामने अजान होता है तो वहाँ पर हनुमान चालीसा बजाया जाए, और कई जगह पर बजाया भी गया है। और राज ठाकरे की अल्टीमेटम के बाद कई ऐसी जगह है, मस्जिद है, जहाँ पर जो बिना लाउड स्पीकर के अजान पढ़ा गया है, और वहीं अगर लाउड स्पीकर बसता है तो मनसे कार्यकर्ता वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से धरपकड़ शुरू है और पुलिस पूरी तरह से मनसे कार्यकर्ताओं को डिटेन भी कर रही है, और आगे भी जो भी मनसे कार्यकर्ता अगर ऐसा प्रयास भी कर रहा है तो हालांकि पुलिस वहाँ पे तैनात भी है, लेकिन उस प्रयास के बीच में ही मनसे कार्यकर्ता वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। वही सर्वजीत, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, पुलिस बल राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से अभी हालात हैं, राज ठाकरे पर भी कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि औरंगाबाद के बाद अब यहां देखा गया मुंबई पुलिस ने भी नोटिस जारी किया है, क्या हिरासत में या गिरफ्तारी संभव है आज? जी, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती दिख रही है। हम हैं अभी राज ठाकरे घर के सामने, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जो पुलिस वैन है वहाँ पे मुस्तैद है। हालांकि पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कल जो पुलिस कर्मी थे आज उनसे दुगुना कर दिया गया है। बड़े जो IPS है उनका यहाँ पे राउंडिंग किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर जो पुलिस है वहाँ पे तैनात है। SRPF की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे लगा दी गई हैं, जो मोबाइल कंट्रोलिंग सर्विलेंस कंट्रोल कमांड है वो यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई गई हैं। तो पूरी तरह से जो मुस्तैद जो पुलिस है वो तैनात है। कल ही बताया गया था कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जगहों पे भी पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात की गई है। अब औरंगाबाद में जो केस हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी जो पुलिस एक्शन में है, अब देखना है कि क्या ठाकरे वर्सेस जो ठाकरे है जो उस पर गिरफ्तारी होती है, क्या मुंबई पुलिस का जो CRPC का 141 का जो उन पर जो नोटिस दिया गया है क्या उसका राज ठाकरे पालन करते हैं या नहीं। बिल्कुल ये चीज कही जा सकती है, आप हमारे साथ बने रहे, हम दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे सरजीत और बात भी करेंगे। वहीं मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया है।
राज ठाकरे घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालात ना बिगड़े इसके लिए कई मस्जिदों के बाहर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है और सुरक्षा चाक चौबंद हर जगह यहां पर की गई है। और वो तस्वीरें हम देना दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों जी। बिल्कुल, हमारे साथी जिस बात का जिक्र कर रहे थे सरवजीत, जो इस समय राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद हैं, बता रहे हैं कि कल भी सुरक्षा बल था, कल भी पुलिस बल था, लेकिन आज वो संख्या बढ़ा दी गई है हिमांशु। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये सुरक्षा बल है या फिर इसके बाद में जिस तरह से अभी सिचुएशन है गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल यहां पर तैनात है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस तरह से अभी हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का जो विवाद है आपने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे की ही वजह से शुरू हुआ। हालांकि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा इस समय जेल में हैं, फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही, लेकिन एक बार फिर से हनुमान चालीसा का विवाद ये आगे बढ़ा है। बिल्कुल, नवी मुंबई में भी मस्जिद के बाहर पहुंचे एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अजान के जवाब में हनुमान चालीसा बजाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एरोली इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये वो तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, वो तस्वीरें भी हम यहां दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ नवी मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भी वही हालात नजर आते हैं। नासिक में महिला कार्यकर्ता भी इसी तरह से सड़कों पर थी अल सुबह, ये कहा जाए अल सुबह क्या बल्कि देर रात से ही पूरी तैयारी थी यहाँ पर मनसे के कार्यकर्ताओं की, एमएनएस कार्यकर्ताओं की, और यहाँ पर पुलिस ने फिर उन्हें हिरासत में लिया है जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। चाहे बात मुंबई हो, नवी मुंबई हो, ठाणे हो या फिर नासिक, इस तरह के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें एक ही जैसी नजर आ रही है क्योंकि आज सुबह से देखा था लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से यहां पर साफ तौर से नजर आती है और जो कहा गया था कि जो भी स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। महिला कार्यकर्ताओं को नासिक में हिरासत में लिया गया। तो हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। सरवजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सरवजीत, एक तरफ हो गए राज ठाकरे के कार्यकर्ता और उनके सामने हो गए उद्धव ठाकरे की पुलिस, दोनों के बीच में इस वक्त मुकाबला जारी है। एक हनुमान चालीसा बजाने पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की बात करते हुए हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन आगे का रास्ता यहां पर क्या निकलेगा, ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में कैसे आएगी क्योंकि झुकने को कोई तैयार नहीं है। जिस तरह से मुंबई पुलिस पे सवाल है कि एक सुरक्षा को कैसे कायम रखेंगे और जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो हनुमान चालीसा बजाने पे तुले हुए हैं और लगातार इतने बंदोबस्त के बावजूद भी कल जो मुंबई पुलिस ने कई मनसे कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया था, उनके ऑफिस में से लाउडस्पीकर भी जब्त किया था, लेकिन आज जब मॉर्निंग में अजान हुआ तो जहाँ पे अजान हो रहा था उसमें तेज गुनी आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ मनसे कार्यकर्ता कर रहे थे। हालांकि उन्हें डिटेन भी किया गया है, लेकिन राज ठाकरे के जिस तरह से अपील की थी मनसे कार्यकर्ताओं पर, कहीं ना कहीं वो उनके अपील को पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पे कार्रवाई होगी तो भी हम इस पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अब मुंबई पुलिस पे सवाल है और महाराष्ट्र पुलिस पे किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और क्या इस पे जो अपील की गई है राज ठाकरे का उस पे क्या असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो सरजीत मैं आपको रोकता हूं कुछ देर के लिए इस दौरान कि कई मस्जिदों से परमिशन की। सरजीत मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं इस दौरान, एक और बड़ी खबर यहां पर बता दें, राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना भाषण ट्वीट किया है। तो राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक भाषण जो है उसे ट्वीट किया है और पुराना भाषण उन्होंने निकाला है। राज ठाकरे ने इस पूरे वीडियो को ट्वीट करते हुए ये कहा जाए कि एक बार फिर से एमएनएस कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है। सुनिए किस तरह का वीडियो है। नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही, कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद, ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही, कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद।
देखिए, राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का ये वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो मराठी में कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो जो रोड पे नमाज होती है वो बंद करा देंगे और लाउड स्पीकर जो मस्जिदों में लगे हैं वो उतरवा देंगे। अरुणेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणेल, एक और दाव खेल दिया राज ठाकरे ने बाला साहेब का पुराना भाषण ट्वीट करके। ये ऐसा दाव खेला है जो सीधा शिवसेना को बुरी तरह चुप सकता है। राज ठाकरे ने सुबह 9 बजे आज ट्वीट करते हुए बाला ठाकरे की एक पुराना वीडियो ट्वीट किया जिसमें ये बोला है उन्होंने कि बाला ठाकरे ये बोल रहे कि अगर हमारा सरकार आता है तो फिर हम जो रस्ते पे नमाज पढ़ी जा रही है उसको बंद कर देंगे और लाउड स्पीकर को भी नीचे आना पड़ेगा मस्जिदों पर से। अभी शिवसेना का सरकार है महाराष्ट्र में तो इस तरीके का प्रश्न राज ठाकरे उठा रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे जी के कि तुम्हारी सरकार है तो फिर बाला ठाकरे जो तुम्हारे नेता थे तुम्हारे पिता थे उनका उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया। अरुणिल, जिस तरह से राज ठाकरे का ये नया दांव इसे कहा जाए इस वीडियो को जारी करते हुए ये कहा जाए कि ना सिर्फ फेमिनिस्ट कार्यकर्ताओं को संदेश बल्कि यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसे में और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अमले के लिए सिचुएशन होती हुई नजर आएगी क्या? चलिए, अरुणिल से लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन ये देखिए, ये कहा जाता है ट्रंप कार्ड, वो ट्रंप कार्ड यहाँ पर राज ठाकरे ने खेला है बाला साहेब ठाकरे का पुराना भाषण जारी करते हुए जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो रोड पर नमाज हम नहीं होने देंगे, इसके साथ ही लाउड स्पीकर हम उतार देंगे। बिल्कुल, वही महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ अजान के जवाब में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने वाली जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बीच मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है और राज ठाकरे के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लाउड स्पीकर पर शुरू हुआ विवाद आज से महाराष्ट्र में बड़े सियासी घमासान में बदलता हुआ दिख रहा है। राज ठाकरे ने जो डेडलाइन तय की थी वो अब बीत चुका है, ऐसे में राज ने आज से उन जगहों पर लाउड स्पीकर के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील की है जहां अभी भी अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। राज ठाकरे ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और इसी चिट्ठी में इस बात का जिक्र है जिस जिस मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर तेजी के साथ बज रहे हैं उसके ठीक सामने हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर लगाएं। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि जिन मस्जिदों ने लाउड स्पीकर उतार दिए हैं उनको किसी भी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी अपील के लिए ठाकरे ने चिट्ठी लिखी, ट्वीट किए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस भी अपने स्तर से पूरी तैयारी में है ताकि राज की अपील को ज्यादा हवा न मिले। दूसरी तरफ मुंबई में राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। एमएनएस दफ्तर के बाहर भी पुलिस के जवान खड़े हैं। नवी मुंबई में तो पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है वो लोग मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी में थे, पुलिस ने लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया है। इन सभी ड्रामों के बीच मीडिया चाह रही थी कि लाउड स्पीकर पर चालीसा करने की अपील करने वाले राज ठाकरे अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन कैमरा और माइक देखते ही फौरन उन्होंने अपना मुंह मोड़ा, घर के अंदर चले गए। राज की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पुलिस ने उन्हें धारा 149 के तहत नोटिस भेजा है ताकि वो कहीं ना जा पाए और ना ही किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार है और दूसरी तरफ राज ठाकरे, उनके लिए मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। सांगली कोर्ट की गैर जमानती वारंट पर अमल करेगी मुंबई पुलिस। कोर्ट द्वारा जारी आदेश को लागू करना अनिवार्य है। राज के खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले से ही जारी है। राज ठाकरे की अपील के बाद पुलिस बिल्कुल सख्त है, इसलिए सिर्फ मुंबई में ही नहीं महाराष्ट्र के बाकी शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि लाउड स्पीकर के बहाने शुरू हुई सियासी लड़ाई आगे न बढ़े और न ही कोई विवाद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।